मतलब मुझे बड़ी शर्म आ रही है। ये अस्पताल टीबी बंद वही अस्पताल है जो हम 2 साल पहले था, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है इस अस्पताल के अंदर। नर्सिंग सुप्रीम से लेकर के डायरेक्टर तक कोई सुनवाई नहीं है किसी नर्सिंग स्टाफ की। आज हम चेतावनी दे रहे हैं हमारे स्टाफ को, प्रॉपर पीपी किट, मास्क, और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ काम कोरोना डेजिग्नेटेड एरिया में काम कर रहा है उनके रहने खाने का अरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए कर्मचारी कोई काम नहीं करेगा, नर्सिंग काम नहीं करेगी। और आप लोगों को मर्जी लगानी है, आप मेरा नाम बोल देना कि जहां पर पीपी किट नहीं हो, जहां पर आपके लिए रहने का अरेंजमेंट ना हो, स्पेशली कोविड डेजिग्नेट एरिया में तो आप बिल्कुल काम नहीं करोगे। जो अब हम देख लेंगे, कोरोना से हम डर नहीं है, कोरोना से हम लड़ने को तैयार है, पर हमें अपनी सुरक्षा का भी अधिकार है, हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार है नहीं है, हमारी जिंदगी नहीं तो दूसरे की जिंदगी कैसे बचाएंगे। मैं बोलूंगा कोरोना से लड़ने को तैयार है, आपने बोला हमें हमारी सुरक्षा का भी अधिकार है, बोलेंगे ठीक है। कोरोना से हम लड़ने को तैयार है, कोरोना से हम लड़ने को तैयार है, कोरोना से हम लड़ने को तैयार है। तो ये हमारी सुरक्षा पहले चाहिए हमारे को। ये 1 करोड़ रुपए का टीवी भाषण दे दिया, 1 करोड़ रुपए मरने के बाद मिलेगा, जीते जी तुम खाना नहीं दे रहे हो। नहीं, सीएमओ रश्मि को किसने डायरेक्शन दिया कि नर्सिस को खाना नहीं देना, उसको बुला के पूछा तो जाए कि किसके डायरेक्शन पे आपने इतना बड़ा जवाब दिया।